गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम राहुल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें, ठीक है दोस्तों। और अगर आप मुझे मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं जो कि आ चुकी हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आयुषी। ओके, कौन सा डे आज आपको? सेकंड डे। इससे पहले कहीं आपने कोई कार ट्राई करी? नहीं, इससे पहले पर्सनल मैंने कार या कोई फ्रेंड के साथ, कोई भी नहीं। आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास स्विफ्ट डिजायर है। स्विफ्ट डिजायर, ओके। तो आपने कल क्या क्या सीखा? कल मैंने फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाना सीखा। ओके, तो आपको सीट एडजस्ट करनी आती है? चलिए सीट एडजस्ट करके दिखाइए। नहीं, राइट हैंड स्टीयरिंग पे, राइट वाला हाथ स्टीयरिंग पे रखो, लेफ्ट वाले हैंड से रॉड को ऊपर उठाना है। पहले रॉड पूरा ऊपर उठाओ, फिर अपनी बॉडी को खींचो आगे राइट हैंड से। हाँ, रॉड पूरा ऊपर उठाओगे, पूरा रॉड नहीं उठाया आपका। हाँ हाँ, अभी क्लच को पुश करके देखो, पूरा फुल कंफर्टेबल है? आप रॉड नहीं उठा रही जी, रॉड पूरा उठाने के बाद ये देखो, जब आप फुल रॉड उठाओगे ना तो अपने आप सीट आगे जाएगी। अभी कंफर्ट है या ज़्यादा आगे हो गई है? नहीं, सही लग रही है। तो बैक रेट रेस्ट वाला सही करो, पहले हैंडल उठाओ ऊपर, ठीक है। अभी सीट बेल्ट डालो, पुश करी, हो गया, ठीक है। आपकी सीट एडजस्ट हो गई, सीट बेल्ट लग गई। अभी सबसे पहले लुकिंग ग्लास को सेट करो, बीच वाला, ये अपनी हाइट के हिसाब से, ठीक है। अभी राइट वाला मिरर सेट करो, दिख रहा प्रॉपर आपकी हाइट के हिसाब से? अभी लेफ्ट वाला, ठीक है। एक बार क्लच दबा के वापस रिलीज करो, एक दो बार क्लच को दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, टो से होना चाहिए, टो से यूज़ करना है इसको। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, फिर एक्सेलेटर पे लाओ, ब्रेक पे लाओ फिर एक्सेलेटर, एक दो बार इसका मूवमेंट कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। एक्सेलेटर टू ब्रेक, एक्सेलेटर टू ब्रेक, हो गया, ठीक है। चलो अभी इंजन ऑन करो क्लच दबा के। जब भी गाड़ी ऑन करोगे तो क्लच दबाना कंपलसरी है, बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। राइट वाला पैर कार को स्टार्ट करते वक्त राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए। जब आप की को घुमा रहे हो, सेल्फ ले रहे हो, तो ब्रेक पे राइट वाला पैर होना चाहिए, क्लच दबा होना चाहिए। अभी देखो डिस्प्ले में एक आपको इंडिकेशन लाइट आ रही है, रेड कलर की आ रही है, ये हैंड ब्रेक का साइन होता है। अभी आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा है, ये देखो, इस हैंड ब्रेक को ऊपर उठाते हुए बटन नीचे, बटन दबा के नीचे ले जाओ, गुड। अभी साइन गायब हो गया। अभी राइट वाले मिरर को चेक करो, राइट का सिग्नल दो। सिग्नल इसलिए देना कंपलसरी क्योंकि गाड़ी आपकी साइड में खड़ी हुई है, तो पीछे वाले को ये कंफर्म नहीं है कि अगर अचानक आपने बढ़ा दी बिना सिग्नल के तो एक्सीडेंट के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी आपको सिग्नल देने के बाद एक राउंड स्टीयरिंग का राइट टर्न करो, स्टीयरिंग का एक राउंड राइट टर्न करो, पूरा राउंड टर्न करो पूरा, ये राइट हुआ। अभी राइट का सिग्नल दो वापस, गुड। अभी ये आपका वन एंड हाफ, डेढ़ राउंड में पूरी गाड़ी कट जाती है। अभी आप हाफ क्लच छोड़ो, राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा और हाफ क्लच छोड़ना है, फुल नहीं, सिर्फ हाफ क्लच, वेट बस इससे ज़्यादा नहीं। अभी स्टीयरिंग सीधा करो वापस, गुड, बस स्टीयरिंग को 3:09 क्लॉक टाइम, वॉच टाइम, जो घड़ी का टाइम होता है 3:09 का, बस उस डायरेक्शन में आपको हाथ रखना है। अभी क्लच को पूरी तरीके से आप रिलीज कर दो फुल। अभी हल्का सा राइट वाले पैर से एक्सेलेटर को पुश करो, इसको पहले तो हॉर्न दो, लॉन्ग राइट दबाओ वरना टकराएगी गाड़ी आपकी, बस, क्योंकि खतरा हमेशा लेफ्ट से रहता है, राइट से नहीं रहता है। राइट में तो आप ऑलरेडी बैठे हो, तो राइट नहीं भी देखोगे तो भी बॉडी आपकी, नज़रें आपकी ऑटोमेटिक स्कैन कर लेंगी। अभी थोड़ी सी स्पीड डालो और हल्का सा एक्सेलेटर लो और हल्का लेफ्ट आओ, स्पीड बढ़ाओ, राइट रखो, स्टीयरिंग गलत पकड़ रही, मैंने क्या बोला 3:09 क्लॉक टाइम, और बढ़ाओ स्पीड, थोड़ा सा स्पीड, सेकंड गियर जो डाला जाता है वो 20 की स्पीड में डाला जाता है। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर, फटाफट पूरा क्लच दबा के लेफ्ट लाके, वेरी गुड, छोड़ो क्लच झटके से नहीं, राइट को खोल का,
हाँ सीधी करो गाड़ी, बस स्टीयरिंग फिर गलत पकड़ी आपने, राइट रखो स्टीयरिंग को 3 और 9 क्लॉक टाइम, राइट हैंड सही जगह रखो ना जहाँ पे मैंने बोला है। हाँ ये पॉइंट होता है स्टीयरिंग का, ये है 3 और 9, स्टीयरिंग को सीधा रखो और गाड़ी से आप 100 मीटर दूर देखो, जितनी दूर वो टेम्पो जा रहा है इतनी दूर आपकी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी के बोनट को देखने से आपको रोड का अंदाज़ा नहीं मिलेगा, फ्लैग रॉड को देखने से आपको सिर्फ लेफ्ट का अंदाज़ा ये मिलेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो लेफ्ट में कहाँ पे चल रही है। अगर आप ध्यान से फ्लैग को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो लेफ्ट वाला टायर है और लेफ्ट वाले साइड रोड का, और उसके बाद जब आप ये सेकंड नंबर पे मिरर को देखेंगे तो आपको एक्चुअल ये पता चल जाएगा कि आपके लेफ्ट में अभी कितनी जगह है। दिख रहा है लेफ्ट वाले मिरर में? हाँ। बोनट से ज़्यादा लेफ्ट का अंदाज़ा मिल रहा है या साइड वाले मिरर से ज़्यादा अंदाज़ा मिल रहा है? बोनट से ज़्यादा अंदाज़ा मिल रहा है। और रोड का अंदाज़ा कहाँ से मिल पा रहा है, मिरर से या बोनट से? सामने बोनट से। मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट मिरर से, सामने का बोनट से आता है जजमेंट और लेफ्ट साइड का लेफ्ट वाले मिरर से। अब जरा लेफ्ट देख के बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना। और अब बताओ एक्चुअल पता चल रहा है कि आपके लेफ्ट में कितना स्पेस है और ये आपने गड़बड़ किया, अभी साइकिल वाला दब गया था आपकी गाड़ी से, हॉर्न नहीं दिया आपने, पहली बात तो हॉर्न नहीं दिया, दूसरी चीज़ आपने ज़रूरत से पहले आपने गाड़ी को लेफ्ट दबा दिया। जब हम कभी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हम अब हमें ओवरटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब वो पूरी निकल जाए, पूरी निकल जाए। अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ बस इतनी गाड़ी आपकी आगे निकली थी और आपने लेफ्ट में दबा दिया, जिस डायरेक्शन में आप बैठी हो यहाँ से 4.5 फीट पीछे गाड़ी की हाइट है, इस गाड़ी की टोटल लंबाई 12 से 12.5 फीट है, चौड़ाई इसकी जो ये लेफ्ट वाला पिलर है और राइट वाला पिलर है 5.5 फीट, 1 फीट राइट वाला साइड मिरर बाहर निकला, 1 फीट ये, तो इस गाड़ी को कम से कम 8 फीट जगह चाहिए निकलने के लिए और लंबाई में इसको 15 फीट जगह चाहिए मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और ये जो बार बार आपका हाथ यहाँ आ रहा है ये यहाँ पे थम होना चाहिए। हाँ हाथ बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती आयुषी, क्योंकि 3 और 9 क्लॉक पे आप स्टीयरिंग को हल्का फुल्का 10 to 20 degrees से बिना हाथ को हटाए हुए टर्न कर सकते हो, बिना हाथ को हटाए हुए, फिर आप हाथ गलत डायरेक्शन में ले आई अंगूठा फंसा लो ना उसे में, बस अभी स्ट्रेट जाना है आपको, राइट वाला भी अंगूठा रखो वहीं पे, ये ग्रिप इसीलिए बनी है स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए, और पावर स्टीयरिंग में ताकत नहीं लगाना है, बस सिर्फ मूवमेंट करना है। अभी स्ट्रेट जाना है हमें, राइट रखो गाड़ी, नीचे ज़्यादा जा रही है, और यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पुश करो क्योंकि टी पॉइंट है, चौरा है, ब्रेक पे पैर रखो, हल्का सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा बिफोर ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी होता है, एक होता है गाड़ी को प्रॉपर खड़ी करना, ठीक है, एक होता है गाड़ी को सिर्फ हल्का सा स्लो करना। अब देखो भाई साहब निकले लेफ्ट से, इन लोगों से बचना बहुत ज़रूरी, राइट और खोल कर राइट वापस लेफ्ट आओ, राइट को नज़रें आपकी एक एक सेकंड में चलनी चाहिए, आपने हाथ फिर चेंज कर दिया, लेफ्ट वाला पैर आपने नीचे क्यों रख रखा, हल्का राइट को राइट, थोड़ा सा राइट, राइट मैंने राइट बोला आपने लेफ्ट काटा, देखा लेफ्ट में टेम्पो जो खड़ा था वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता है, सामने से जो गाड़ी आ रही वो 50% आपको नोटिस कर रहा है। बढ़ाओ धीरे से, घबराओ मत बेटी, मैं भी पहले दिन यही, आप फिर हाथ गलत ले गई, हाथ क्यों बार बार हटा रही हैं आप, हाथ को बार बार चेंज नहीं करना है, ड्राइवर राइट तो खोल का स्पीड बढ़ाओ, हल्का लेफ्ट आओ, राइट रखो थोड़ा, आयुषी आप अपने लेफ्ट हैंड को क्यों बार बार चेंज कर, राइट रखो, राइट नहीं पोल में टकराएगी, आप हाथ क्यों बार बार हटा ले रही हैं, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ राइट वाला आपने लेफ्ट वाला पैर ये नीचे क्यों रख रखा है, राइट ऑफ कॉल का राइट, हाँ वापस लेफ्ट जाना इधर ही, अभी आप हाथ क्यों हटाया आपने, सीधी करो बस, लेफ्ट आओ हल्का, हल्का राइट रखो, राइट राइट राइट, अभी आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना है, अभी बार बार आप पैर हटा लोगे तो क्या इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है कि विद इन 1-2 सेकंड में आप पैर वहाँ पे ले जा पाओ, देखो गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी, आप हाथ को छोड़ क्यों रही हैं बार बार,
वैसी नहीं 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 हाथ को छोड़ना नहीं, जैसे आप राइट हैंड को पकड़े हुए हैं वैसे लेफ्ट हैंड को भी एक जगह फिक्स रखिए, फिर देखो बार बार आप हाथ चेंज कर रहे हैं। आप वही रखो आगे उसी पॉइंट पे, हाँ। इससे फिर आपकी स्टीयरिंग लहराएगी। अभी इनको हॉर्न दो, लॉन्ग हॉर्न, और राइट वाला पैर ब्रेक पे, ब्रेक पे राइट दबाओ, नहीं उड़ जाएंगे दोनों। जाओ राइट दबाओ गाड़ी, हाँ बस। अभी लेफ्ट आओ हल्का सा, हल्का राइट, राइट रखो, राइट 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 और राइट, थोड़ा लेफ्ट आओ। देखो ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया आपने स्टीयरिंग, अभी सीधी करो बस, हल्का राइट, वापस लेफ्ट आओ, हॉर्न राइट रखो, हल्का राइट राइट, हाँ जाने दो धीरे धीरे, हल्का राइट रखो, थोड़ा लेफ्ट आओ, लेफ्ट और लेफ्ट, बस राइट रखो थोड़ा सा, हाँ हल्का लेफ्ट आओ, बस राइट रखो, राइट राइट। इन दोनों वाइट लाइनों के बीच में आपको चलना है, नज़र आपकी इस मिरर में आनी चाहिए बार बार, अगर इसमें नज़र आएगी तो आपको एक्चुअल पता चलता रहेगा कि आपके लेफ्ट और राइट में कितना स्पेस है। हल्का राइट रखो, लेफ्ट आओ, सामने इनोवा आ रही है, राइट वाला पैर ब्रेक पे, लेफ्ट वाला क्लच पे है, राइट रखो थोड़ा राइट, ट्रैक्टर में टकरा जाएगी, जाने दो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, हल्का राइट रखो, स्टीयरिंग सीधी करो, हाँ और सीधी करो, बस अभी लेफ्ट आओ, बस एकदम सीधा जाना है, राइट रखो हल्का, हाँ वापस लेफ्ट आओ, बस 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 बस, राइट रखो हल्का, गड्ढे को बीच में लो, दोनों टायरों के बीच में, ब्लाइंड टर्न है, राइट वाला पैर ब्रेक पे, लेफ्ट वाला क्लच पे, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, दोनों हाथ से 3 और 9 क्लॉक पे स्टीयरिंग को पकड़ो, और स्टीयरिंग को कभी टाइट नहीं करना। देखो सामने से ट्रैक्टर आया, राइट दबाओ धीरे धीरे, स्टीयरिंग दबाओ राइट और बस, वाइट लाइन से बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादा राइट भी नहीं जाना क्योंकि इतना ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है। राइट तो खोल का, ज़्यादा राइट चलोगे तो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ, सामने से आने वाली उनको बहुत दिक्कत होगी। लेफ्ट आओ, इतनी ज़्यादा जगह क्यों छोड़ रहे हो उधर, अभी फिर लोग आपको लेफ्ट ओवरटेक करने लगेंगे, सीधी करो बस, हॉर्न लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट आओ और स्टीयरिंग आयुषी सही पकड़ो, उधर गिर गया बाइक लेके, बढ़ाओ लेफ्ट आओ, सीधी करो बस, अभी लेफ्ट का सिग्नल दो, रोकनी गाड़ी साइड में, हाँ जाने दो, राइट रखो भी राइट, राइट रखो राइट, चलो 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 चलो। अब देखा मैंने यहाँ से 20% ब्रेक लिया था और 30% क्लच, राइट रखो हल्का राइट और राइट बस, अभी लेफ्ट आओ बस, अभी पूरा फुल क्लच दबाओ, फुल क्लच फुल, हाँ और लेफ्ट आओ बस, अभी राइट रखो हल्का राइट बस, यहाँ पे रोको स्टॉप बस, अभी इसको पहले गियर में करो, आप उतर जाइए बच्चों, अभी राइट का सिग्नल दो, वेलकम, एक हाथ लगाए करो वरना हाथ में आ जाएगा आपके वो, अभी पूरी राइट काटो स्टीयरिंग 90 डिग्री से, काटो ना पूरी स्टीयरिंग, ये होता 90 डिग्री। अभी राइट वाला मिरर चेक करो एक बार, अच्छे से देखो आपके अगल बगल क्या चल रहा है, ठीक है दिख रहा है, अब जाओ पहले ब्रेक छोड़ो फिर हाफ क्लच छोड़ो, गाड़ी यू टर्न मारना यहाँ से, जाओ यू टर्न मारना, हाँ यू टर्न, तभी तो फुल स्टीयरिंग कटवाई है, चलो धीरे से छोड़ो क्लच छोड़ो, हाँ जाओ, जाने दो जाने दो, जान कटी रहने दो, फुल कटी रहने दो, कटी रहने दो, सीधी मत करना, फुल 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 फुल, कटी रहने दो कटी रहने दो, गुड गुड गुड, अभी सीधी करो स्टीयरिंग फटाफट, एक राउंड और, वेरी गुड, बस घूम गई एक ही राउंड में पूरी स्टीयरिंग घूम गई। अगर आपने खड़ी गाड़ी पे पूरा स्टीयरिंग नहीं घुमाया होता सीधी करो तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि कम जगह में गाड़ी को लेफ्ट आओ घुमाने के लिए आप सीधी रखो, कम से कम जगह में पहले पूरी सीधी करो, पूरा स्टीयरिंग घुमाने के बाद ही आपको
गाड़ी को बढ़ाना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाते हुए स्टीयरिंग काटती तो ये पॉसिबल नहीं था। सीधी करो स्टीयरिंग, मोरंग पे गई, स्टीयरिंग गलत पकड़ रखी है आपने, देखो हल्का राइट रखो, हाँ जाने दो धीरे से, इधर देखो थोड़ा सा, राइट खोल का, राइट राइट राइट, हाँ और राइट, हाँ राइट को, राइट और राइट थोड़ा। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। राइट को कौन था, बस लेफ्ट आ जाओ।